हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त 2021 और आज हम फिर से रेडी अपनी करंट अफेयर्स की एक वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे ऑबिचुअरी, बुक और अवार्ड से रिलेटेड। और बाकी इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मिसलेनियस होंगे और साथ ही जानेंगे इनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च दलित बंधु स्कीम? इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसने दलित बंधु स्कीम को लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम को लॉन्च किया और साथ ही सर्टिफिकेट्स और 10 लाख रुपए लोगों को दिए ताकि वो अपने चॉइस ऑफ इनकम जनरेशन एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकें, और साथ ही उन्हें सेपरेट प्रोटेक्शन फंड भी प्रोवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिसेंटली गर्ड म्यूलर डाइड, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच गेम? हाल ही में गर्ड म्यूलर की डेथ हो गई, वो कौन से गेम से एसोसिएटेड थे, मतलब वो कौन सा गेम खेलते थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फुटबॉल। गर्ड म्यूलर एक फुटबॉलर थे और उन्हें गेम्स ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर्स भी कहा जाता है और उनका नेम है बॉम्बे डेयर नेशन। उन्होंने 1972 में यूरोपियन चैम्पियनशिप भी जीती थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ब्रांड अनाउंस्ड कैमरा इनोवेशन लैब? कौन से ब्रांड ने अनाउंस किया है कि वो कैमरा इनोवेशन लैब को स्टेब्लिश करने वाली है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ओप्पो। ओप्पो ने अनाउंस किया है कि जल्द ही वो एक नया कैमरा इनोवेशन लैब स्टेब्लिश करने वाली है। इसका फीचर होगा कि वो ऐसी मशीन को स्टेब्लिश करेगी जो टेस्ट करेगी वेरियस लाइट सोर्सेज विद डिफरेंट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी सोर्सेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, खादी एग्जीबिशन गॉट इनॉग्रेटेड एट? खादी एग्जीबिशन कहाँ इनॉग्रेट, मतलब कहाँ स्टार्ट किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हजरत निजामुद्दीन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने खादी एग्जीबिशन कम सेल स्टॉल को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर इनॉग्रेट किया। ड्यू टू 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने टोटल 75 रेलवे स्टेशन पर इसे इंस्टॉल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन? इंडोनेशिया जो एक कंट्री है उसकी इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 17 अगस्त। हर साल 17 अगस्त को इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1945 में इंडोनेशिया को नीदरलैंड से फ्रीडम मिली थी। देखा जाए तो फाइनली उसे फ्रीडम मिली दिसंबर 1949 में। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, न्यू टैक्सी ट्रैक गॉट स्टेब्लिश्ड एट विच एयरपोर्ट? कौन से एयरपोर्ट पर न्यू टैक्सी ट्रैक, मतलब टैक्सी का ट्रैक स्टेब्लिश किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर टैक्सी ट्रैक N5 को कमीशन किया गया बाय M.V.V. सत्यनारायण, जो कि पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं। इसका बेनिफिट ये है कि एयरपोर्ट पर जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं उन्हें ईजिली हैंडल किया जा सकेगा और जो रनवे है उन्हें एडिशनल एक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, हु गॉट अवॉर्डेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन? एक अवार्ड जिसका नाम है यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, वो किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रीता देवनाथ। रीता देवनाथ जो कि एक वुमेन सब इंस्पेक्टर हैं त्रिपुरा पुलिस की, उन्हें यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर द ईयर 2021 से नवाजा गया। और जो इसकी लिस्ट आई थी, लिस्ट ऑफ अवॉर्डीज, इसे अनाउंस किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, A book named Balakot A Strike How India Avenged Pulwama is being written by? एक बुक जिसका नाम है बालाकोट A Strike How India Avenged Pulwama, इसे किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मनन भट्ट। मनन भट्ट ने इस बुक को लिखा। बालाकोट A Strike How India Avenged Pulwama, इस बुक में बताया गया है पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग अटैक के बारे में और इस बुक को पब्लिश किया था गरुड़ प्रकाशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, हाउ मैनी पुलिस ऑफिसर्स गॉट अवॉर्डेड बाय प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल? एक अवार्ड जिसका नाम है प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, इस अवार्ड से कितने लोगों को नवाजा गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2 लोगों को। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर 2 ऑफिसर्स ऑफ राजस्थान। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल 2 पुलिस ऑफिसर्स को दिया गया, जबकि पुलिस मेडल 19 पुलिस ऑफिसर्स को दिया गया। और जिन 2 लोगों को ये प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल दिया गया था वो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल अशोक कुमार राठौड़ एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बीजू जॉर्ज जोसेफ। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली चिन्मय चैटर्जी पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच गेम? हाल ही में चिन्मय चैटर्जी की डेथ हो गई, वो कौन से गेम से एसोसिएटेड थे, मतलब वो कौन सा गेम खेलते थे? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल। चिन्मय चैटर्जी एक फुटबॉलर थे और वो फुटबॉल नेशनल टीम डिफेंडर भी थे। इन्होंने अपना डेब्यू किया था मलेशिया के अगेंस्ट 1978 में एशियन गेम्स में, और इन्होंने अपने पूरे करियर में इंडिया को 4 बार इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट किया है और 4 बार संतोष ट्रॉफी भी जीती है। ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।